वसः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार और गायत्री का आश्रय लेकर के एकाग्र चित्त होकर के भगवान की शरणागति में अनन्य भक्ति में भक्त्यात्वनन्यया शक्या अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्य भक्ति से भगवान की शरणागति, भगवान का आलंबन, भगवान के आलिंगन, भगवान की परम प्रीति, भगवान की दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, दिव्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से स्वयं को एकात्म अनुभव करते हुए दृष्ट के परे जो अदृष्ट सत्ता है, सत्य है, परम सत्य, शाश्वत नित्य सत्य है, उस भगवान के साथ पूरी तरह से एकात्म हो जाते हैं और यह एकात्मता, यह एकाग्रता, यह भगवत शरणागति उन्हीं साधकों के जीवन में संपन्न होगी जिनका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव पवित्र है, जिनके जीवन में सात्विकता है, जिनके दिव्य में जीवन में दिव्य संपदा है, दिव्यता है, आध्यात्मिक संपत्ति है, इसी को दैवी संपद कहा है। सहज समाधि में, सविचार समाधि में, सविकल्प समाधि में, इस जीवन मुक्ति में सभी जी सकते हैं, बस इसके लिए एक ही प्रबल संकल्प चाहिए, एक ही प्रबल अभीप्सा चाहिए, एक ही गहरा समर्पण चाहिए कि मुझे अपने आत्म चेतना से, अपने आत्म स्वरूप से एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं आना, मुझे आत्मस्थ रहना है, मुझे योगस्थ रहना है, मुझे ब्रह्मस्थ रहना है। प्रथम प्रयत्न पूर्वक यह घटना होगी, यह कार्य होगा, यह साधना होगी, यह साधन होगा, और बाद में ये साधन ही हमारा, ये साधना ही हमारा, ये स्वरूप में अवस्थिति ही हमारी, ये स्वरूप में प्रतिष्ठा ही हमारा स्वभाव बन जाएगा। जिनका शरीर रोगी है, जिनकी इंद्रियों में अभी भौतिक आकर्षण शेष है, निर्बीज होने में तो बहुत लंबी साधना अपेक्षित होती है, हमारे भीतर जितने भी विकार हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश है, या प्रमाण विपर विकल्प निद्रा स्मृति रूप जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये सब प्रसुप्त अवस्था में तो सबकी रहती है। योग के द्वारा इनको तनु करते हैं, फिर भी कभी कभी उभरती रहती है, विच्छिन्न अवस्था में आती रहती है। और कभी कभी तो हम विषयों के प्रति, भोगों के प्रति इतने उदार हो जाते हैं कि काम के समय अपने आप को कामी, क्रोध के समय क्रोधी, लोभ के समय लोभी, मोह के समय मोही, अहंकार के समय अहंकारमय हो जाते हैं, विकारमय हो जाते हैं, वृत्ति सारूप मित्रत्र हो जाते हैं। लंबे समय तक 10, 20, 30, 40, 50 सालों तक निरंतर साधना करनी पड़ती है, शरीर की शुद्धि के लिए, इंद्रियों की शुद्धि के लिए, जितेंद्रियता के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए। तो आइए, कपालभाति प्राणायाम करते करते संकल्पित कि योग के समय, कर्म योग के समय, साधना काल में, व्यवहार काल में, जागृत अवस्था में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तुरी अवस्था में तो हम अपने स्वरूप में होते ही होते हैं। हर एक स्थिति में, हर एक मन स्थिति में, हर एक परिस्थिति में मुझे अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना, दिव्यता ही मेरा स्वभाव है। मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजे। अकाम होना, अक्रोध होना, अलोभ होना, निष्काम होना, निर्द्वंद होना, निस्वार्थ होना, निर्भय होना, अभय होना, यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही सच्चे अर्थों में योग है, अध्यात्म है, सन्यास है। आइए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे शरीर को शुद्ध कर देते हैं, हमें जितेंद्रिय बना देते हैं, ऊर्ध्वरेता बना देते हैं, ऊर्ध्वचेता बना देते हैं। हमारे शरीर के साथ साथ, तन के साथ साथ, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण आ जाता है। और जब शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने एनर्जी पर अपना नियंत्रण होता है, यही आत्मनियंत्रण, तो आत्मविजय, यही तो आत्म साक्षात्कार है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। ये दैवी संपद हमारा स्वभाव बन जाए, एक क्षण भी जो दिव्यता के नियम है, विधान है, उनका हम अतिक्रमण ना करें, पूरे योग को, अध्यात्म को, जीवन को यदि दो शब्दों में कहा जाए तो विधि से एक क्षण भी डिगना नहीं और निषेध की तरफ एक पग भी धरना नहीं। विधि है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम तमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्य पार्थ अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेश्वरोरुक्तम महात्म्यम हि रचापलम तेजः क्षमा धृतिशौचम अद्रोहनातिमानि तेजः क्षमा धृतिशौचम अद्रोहनातिमानि ता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। ये विधि, ये जो 26 गुण है, ये विधि है। और दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुचः संपदं दैवीं
अभी जातोसि पांडव। दैवी संपत्ति से एक क्षण भी डिगना नहीं। आसुरी संपत में, आसुरी गुणों में, आसुरी भावों में, आसुरी आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में एक पल भी बरतना नहीं। यही जीवन मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही समाधि है, यही समाधान है, यही मनुष्य में देवत्व का, ऋषित्व का अवतरण है, यही आत्मानुकूल आचरण है, यही धर्म है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। धृति क्षमा दमोस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म रक्षण। यही धर्म है, यही अर्थ है, यही परमार्थ है, यही सच अर्थों में काम है, यही त्रिवर्ग की साधना है, यही मोक्ष है, यही पुरुषार्थ चतुष्ट है, यही परम पुरुषार्थ है जीवन का। हम सदा आत्म धर्म में बरते, आत्मानुकूल आचरण करें, इसी को शब्दांतर से गुरु के अनुकूल आचरण कहा जाता है, इसी को शास्त्रानुकूल वेदानुकूल आचरण कहा जाता है। संस्कृतेन गमे महि मा श्रुतेन विराधिसि। यही है श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभूति पूर्वक दिव्य जीवन का आचरण। आइए कपालभाति प्रणाम करते हैं, और जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दैवी संपद कहा, इस दैवी संपद को ही हमें अपना स्वभाव बनाना है, इसी में एक एक पल जीना है, एक क्षण भी मुझे दैवी संपद के विपरीत आचरण नहीं करना है, बस यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे जीवन का कर्म है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं। तत्वमसि ज्ञानम ब्रह्म, अयमात्म ब्रह्म, शिवो हम अम ब्रह्मास्मि का यही तात्पर्य है। हम सत्य, शिव, सुंदर आत्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा है, हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, अपने स्वरूप में ही रहना है, अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान करके अपने आंतरिक और बाह्य जीवन का समग्र संतुलित न्यायपूर्ण विकास करते हुए स्वयं में और समष्टि में दिव्यता का शुभ का आधान हमें करना है, स्वयं का और समष्टि का अभ्युदय श्रेय सिद्ध हमें करना है। आइए कपाल भाति अनुलोम विलोम लय के साथ कीजिए, आधा आधा घंटा ये दोनों प्राणायाम करते रहे कुछ दिनों तक, तो तन मन चित्त चेतना पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, ये देह देवालय शिवालय हो जाएगा। शांतिरपैशुनम्
पापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अत्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्परं दैवी अभिचा तस्य भारत दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थमेष्णु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्या नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। जिनको ये दैवी दृष्टि उपलब्ध नहीं होती है वो अज्ञान और अज्ञान जनित अहंकार और विकारों के शिकार होकर के जीती जी ही नष्ट हो जाते हैं। स्वयं अंधकार में जीते हैं, अशुभ में जीते हैं, दुख में जीते हैं और नाना प्रकार से मनुष्य और मनुष्येतर जड़ चेतन से जीव जगत को दुख में डालते हैं। इस असुरता से, इस अशुभ से हमें बचना है और जो इससे बच गया है, इससे छूट गया है, इससे मुक्त हो गया है, यही मुक्ति है। इसलिए मुक्ति शब्द बोला जाता है। मुक्ति माने छूटना। पहले छूटना पड़ेगा अशुभ से, पहले छूटना पड़ेगा अधर्म से, पहले छूटना पड़ेगा हिंसा से, असत्य से, स्तेय से, अब्रह्मचर्य से। सब प्रकार की अशुचिताओं से, आसक्तियों से, असंतोष से, विलासिता से, आत्ममुक्ता नास्तिकता से, सब प्रकार के अविवेकपूर्ण कामनाओं से छूटना पड़ेगा। इसलिए पहले है मुक्ति, अशुभ से मुक्ति हो गई तो शुभ तो हमें प्राप्त ही है, वो तो हमारा स्वभाव है ही। इसलिए मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति का अर्थ छूटना, पहले अशुभ से छूटे। इसलिए ध्यान के समय ही संकल्प ले, संकल्पित हो जाए, प्रतिबद्ध हो जाए
कि मुझे एक क्षण भी बस अशुभ की ओर नहीं धरना है, तो अभी से इसी क्षण से हम मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में जो आसुरी संपद का है, इससे हम अभी से इसी क्षण से मुक्त होने के लिए संकल्पित हो जाए, तो इसी क्षण से हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त भी हो जाएंगे। कपाल भाति करते करते, अनुलोम विलोम करते करते, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते करते, ये मुक्ति का संकल्प इतना गहरा हो, इतना गहरा हो, यह हमारी दृढ़ता है, यह हमारी प्रतिबद्धता, यह हमारी प्रतिज्ञा, यह हमारा संकल्प, यह व्रत, यह निष्ठा हमारी इतनी गहरी हो कि हम एक क्षण के लिए भी अब गिरे नहीं, अशुभ की ओर पग धरे नहीं, उसमें प्रवृत्त ना हो। कपाल भाति अनुलोम विलोम करते करते श्रीमद् भगवद् गीता में जिन सत्यों का संदेश दिया, निर्देश दिया, उपदेश दिया, उन सत्यों का अपने जीवन में हमें अनुभव करना है। अशुभ से हटना है, असुरता से हटना है, आसुरी संपद से हटना है और दैवी संपद को अनुभव करना है, उसमें जीना है, यही जीवन मुक्ति की युक्ति है। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमाना मदान्विताः मोहात्रिहित्वा सद्राः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामापरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्या मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो भीजनवानस्मि कोऽन्यो सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्या इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं क
कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजे एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रं विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पत्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः जय श्री श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में जिस दैवी संपद दिव्य आचरण की बात कही है ऐसे हम इस दिव्य संपद के आचरण करते हैं दिव्य स्वभाव में जीते हैं असुरता से बचते हैं और आत्मानुकूल गुरु शास्त्र वेद के श्रुति के अनुकूल आचरण करते हुए एक एक क्षण जीवन में बरतते हैं आगे बढ़ते हैं। जीते जी ही हम सब अशुभ से मुक्त हो जाते हैं जीवन मुक्त हो जाता है यह अशुभ हट जाता है तो एकाग्रता अपने आप बनती है फिर क्षिप्त मूड विक्षिप्त नहीं रहता चित्त एकाग्र हो जाता है और बीच बीच में निरुद्ध हो जाता है इसी को आत्म
आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार करके ऋषियों ने कहा है। स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम अहमनेत, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते। परमात्म तत्व की अनुभूति का यही मार्ग है जो श्रीमद् भगवद गीता में हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसकी अनुरूप जब हम आचरण कर संपत्या परमात्मा प्रकाश। जब हम ये जीने लगते हैं, जिस क्षण हम ऐसे जीने लगते हैं, उसी क्षण से हम योगी हो जाते हैं, उसी क्षण हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, देह में रहते हुए विदेह हो जाते हैं, सहज समाधि हमारी लग जाती है। ऐसे ही इस सहज समाधि का, इस जीवन मुक्ति का हम अनुभव करते हैं ध्यान के समय, और यह स्थिति हमारी टूटे नहीं, छूटे नहीं, हटे नहीं, मिटे नहीं, घटे नहीं, यही है जीवन का परम पुरुषार्थ, यही है जीवन की साधना, यही है जीवन का साधन। यही है आध्यात्मिक आचरण, यही है आध्यात्मिक जीवन, यही है पराविद्या में, अपरा और पराविद्या में जीना। जैसे अपराविद्या में कहा है वैसे आचरण करना, और जिसको पराविद्या कहा है उसकी प्रथम तो परोक्ष अनुभूति होगी, बाद में प्रत्यक्ष अनुभूति भी होगी। यही है वेद का हमारे भीतर घटित होना, योग का, सत्य का, साधना का, समाधि का हमारे भीतर घटित होना, यही है जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण। ऐसे एकाग्र चित्त हो प्राणायाम का, तप ओंकार का जप करना, और परम प्रभु की शरणागति में जीना, यही क्रिया योग है, यही अष्टांग योग है, यही समाधि योग है, यही विभूति योग है। समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, और जो भी नाम दिए जाते हैं योग के नाम से, वो सारे योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, दैव असुर संपद विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, ये सारे योग हमारे भीतर ही घटित हो जाते हैं जब हम भगवान के साथ एकाकार होकर के भगवान के विधान में जीने लगते हैं। ये दूसरा सत्य है, ये दूसरा सत्य है, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलंगन में, अनुग्रह में, भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के जीना, और भगवान के विधान का ही अनुसरण करना, अनुकरण करना, पालन करना। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। कई
कई बार ध्यान के विधान में मैंने इस बात को कहा है कि मूलाधार से सहस्रार तक एक बार ओम बोला और बस, मूलाधार से सहस्रार तक 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार, पंचतर्मा मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इनके पांच पांच सब विषय, अंतःकरण तो तुष्ट है सब कुछ, ओंकार में ही होगा। ओम को बोला और ओम में ही खो गए, ओम के ही हो गए। ऐसे एक बार या आठ बार, एक बार में जिनका चित्त एकाग्र हो जाता है तो एक ही बार में, एक क्षण में मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक अंत ज्योति का अनुभव करते हैं और अंत प्रज्ञ हो जाते, स्थित प्रज्ञ हो जाते, एकाग्र चित्त हो जाते, आत्मसंवित हो जाते, आत्मवित हो जाते, ब्रह्मवित हो जाते। मूलाधार से सहस्रार तक एक ही ब्रह्म की ज्योति को, एक ही भगवान की विभूति को, ऐश्वर्य को, सर्वात्मन अपने भीतर अनुभव किया और उसमें खो जो ऐसा न कर सके तो आठ बार करें, मूलाधार ध्यान करें, पहले एक बार के ओंकार में, फिर स्वाधिष्ठान में, फिर मणिपुर में, फिर हृदय में, फिर विशुद्धि में, फिर आज्ञा में, फिर भ्रकुटी में, फिर सस्रार में, ब्रह्मचर्य, ऐसे आठ बार जप करें, वाचिक जप, फिर मानसिक अजपा जप अपने आप घटित हो जाए। ओम भू हुआ ऐसा बोला तो ये मूलाधार, भुआ बोला तो हृदय और स्वह बोला तो सहस्रार, माने नाभि से नीचे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर ये भूलोक, हृदय विशुद्धि ये अंतरिक्ष लोक, आज्ञा भ्रकुटी और सहस्रार ये द्यूलोक, भू भुव स्व और सहस्रार में, आज्ञा चक्र में, भ्रकुटी में, सहस्रार में उसकी ज्योति को, अनंत ज्योति को, अनंत प्रकाश को,
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता। यदि भासदृशी सास्या भासस्तस्य महात्मना न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं कुतोऽयमग्ने तमेव शान्तं न भाति सर्वं तस्य भाषा सर्वं इदं युगपत्। भूर्भुवस्वः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा गुरु सहस्रार तक पहुंच गए स्व। और फिर तत्सवितुर्वरेण्यम भगवान का वरण कर लिया, उसकी दिव्यता को धारण कर लिया, सब क्लेश हट गए और फिर हमारी बुद्धि में, हमारी धी धृति स्मृति में, हमारी मेधा में, हमारी प्रज्ञा में, मेधा को, प्रज्ञा को, बुद्धि को, ज्ञान को, विद्या को, अपरापरा विद्या को, इस ज्योति को, इस प्रकाश को अनेक शब्दों में कहा गया है। बस बुद्धि प्रकाशित हो गई और ये बुद्धि अब सत्य के मार्ग पर ही चलती है, धर्म के पुण्य के मार्ग पर ही चलती है। ध्यो यो न चल गया, अभी हटके नहीं। ऐसे ओम भूर्भुवस्वः तत् सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही ओंकार और गायत्री की सावित्री की उपासना है। चाहे एक बार करो, चाहे 100 बार करो, चाहे 1000 बार करो, चाहे 1,00,000 बार करो, और फिर तो करते करते शब्द भी सामर्थ्य खो देते हैं, निशब्द हो जाते। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे हम ओंकार का, गायत्री का, एक बार, 3 बार अथवा 7-8 बार, कितनी बार ध्यान कर लें, 11 बार, 21 बार, 100 बार, अनंत बार, या बस एक बार ओम बोला और बस ओम के ही हो गए, इसी में सब कुछ समाहित, सारे नाम, सारे शब्द, सारे मंत्र, सारे अर्थ, सारे सारा परमार्थ, ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ओंकार में ही समाहित है। ओम इति इदं सर्वं, ओम इति ब्रह्म। ओम सर्वं तस्य उपाख्यानं भूतं भवत् भविष्यति सर्वं ओंकारेण यत् अन्यत्रिकारातीतं तदपि ओंकारेण सब कुछ ओंकार में। ओम खं ब्रह्म ओं कृतौ स्मरौ तस्मात् ओमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः।
निराकार में एकाकार होकर के ये मौन ध्यान अंतर्मुखता के साथ आंखें बंद करके ध्यान किया। अब थोड़ी देर आंखें खोल करके ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ये तो बंद आंखों से ध्यान था, खुली आंखों से ध्यान कैसे करना? खुली आंखों से ध्यान ऐसे करना, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे। इस पूरे अस्तित्व में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समानम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये शब्द तो मैं भी बोल रहा था बचपन से, लेकिन इनकी अनुभूति हुई मुझे कई वर्षों के बाद। वर्षों तक तो मैं खाली शब्द बोलता रहता था, ये सब कुछ ब्रह्ममय है, लेकिन वर्षों की साधना के बाद ये अनुभव में आ गया। अब जब अनुभव में आ गया तो मैं कहता हूं तुम एक क्षण में मुक्त हो सकते हो। अब ये मैं व्यवहारिक ध्यान बता रहा हूं, प्रत्यक्ष ध्यान, अखंड ध्यान, अखंड ध्यान, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड सेवा, अखंड साधना। और इसको अनुभव करने में मुझे लगे 40 साल। और इसलिए कहते हैं गुरु भगवान से मिलाते हैं, ऐसे जो अनुभूति को प्राप्त गुरु हैं, जब वो आपसे अपना अनुभव कहते हैं और आपके उन गुरुओं में श्रद्धा होती है, तो जो गुरु ने 40 साल में पाया वो हम एक क्षण में पा लेते हैं। इसलिए गुरु की अनंत महिमा गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात ब्रह्म का है। ये कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं है, कोई गुरुडम नहीं है। यद्यपि गुरुडम के नाम पर भी बहुत ढिंढोरा पीटते हैं लोग, बहुत अज्ञान अंधकार में जीते हैं, वो एक अलग विषय है। ऐसे ये सत्य हमें समझ में आ जाए, और इसको समझने के लिए मैंने बचपन से, सबसे पहले मेरे एक मित्र थे रहमानंद जी, तो सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले मैंने ओम शब्द ही पढ़ा था। मैंने कहा था ओम क्या है, बोलते थे ओम एक शब्द है। फिर मैंने कहा शब्द से क्या है, बोले ये सबसे बड़ा शब्द है, सबसे बड़ा नाम है, भगवान का नाम है। मैंने कहा भगवान कहाँ रहता है, छोटा बच्चा ही था मैं, ये 7-8 साल की बात है। तो बोले भगवान तो कण कण में। मैंने कहा कण कण में तो ये मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, ये सब कहाँ भगवान है। बोले नहीं, इसके भीतर भगवान रहता है। तो मैंने कहा इसके भीतर दिखाओ। तो मैं मिट्टी उठाता था, मैं कहता था इसमें भगवान दिखाओ कहाँ है, ये तो मिट्टी मिट्टी उड़ रही है। फिर मैं उसको फेंक देता था। मैंने कहा भगवान को फेंक दिया मैंने, ऐसे थोड़ी होता है भगवान को उठाओ और फेंक दो। तो मैंने बोले नहीं, इसके अंदर भगवान है। अब उतना ही जानता था, वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक और कोई बहुत बड़ा ऋषि तो नहीं था। तो मैंने कहा पानी में भगवान है, पानी में भगवान है, खाने में भगवान है, खाने में भगवान है। फिर मैं थोड़ा उद्दंड था उस समय, मैंने कहा पैखाने में भी भगवान है। बोले तू बहुत उल्टी उल्टी बातें करता है, तेरे को गुरुकुल में भेजना पड़ेगा तब तेरे को समझ में आएगी। तेरे को गुरुकुल में भेज दो। तो गुरुकुल में तो हमने कुछ पूछा नहीं। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, ये सारी सृष्टि उसने बनाई। मैंने कहा कैसे बनाई। तो बोले इसके लिए तो दर्शन उपनिषद वेद आदि पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने के बाद भी किसी को पता नहीं लगता कैसे बना है, नहीं तो सारी सृष्टि का विज्ञान का रहस्य अभी तक खुल जाता। जो पढ़ने वाले वो भी कहते ऐसे ऐसे बनी, बना कोई नहीं सकता, दिखा कोई नहीं सकता। अभी तक भी विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाएं, श्रेष्ठ वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं कि सृष्टि बनी कैसे। कोई ब्लैक होल्स ढूंढने में लगा है स्पेस साइंस में, कोई कहां उलझा हुआ है, कोई परमाणु में उलझा हुआ है, किसी को तो अभी यही नहीं पता ये सत्व रज तम है क्या। खाली शब्द शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बहुत तर्क वितर्क करके
फिर अंत में यही बात समझ में आती है। यात्रा तो तर्क से ही शुरू होगी और सत्य में जाकर के पूरी होगी। तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से ही सत्य की अनुभूति होती है। तो खैर, आज इतनी सी बात कह रहे हैं कि मुझे 40 सालों में ओम का अर्थ पता लगा। वो धातु पाठ तो पहले ही पढ़ लिया था, अवरक्षण दिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिय इच्छा दीप्त्या दीप्त्या वाप्ति आलिंगन हिंसा धान भाग वृद्धिशु। ओम के अर्थ वैसे बहुत पढ़ लिए थे, ओम के भजन भी मैंने बचपन से बहुत गाए थे। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात इतनी है कि हम उसको अनुभव करने लग जाए। और इसके लिए एक बात तो यह है कि मानने वाली बात, और फिर उसके अनुभूति में एक संघर्ष से तप से तो गुजरना पड़ता है। अब मुझे यह 100% विश्वास इन अनुभूति हो गई कि मैं ओंकार का उपासक हूं। ओंकार जो शास्त्र में लिखा है कि ये सर्वत्र एक ओंकार की ही महिमा है। अब इसको मैं वैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, तात्विक रूप से अनुभव कर सकता हूं, अनुभव करता हूं। तो ऐसी ये अनुभूति जिन गुरुओं के हम पास रहते हैं, हमारी भी बन जाती है। और एक क्षण में हम इस एहसास को अनुभव कर सकते हैं, इस विश्वास को हम जी सकते हैं। अब इसके लिए एक प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा, सुबह से शाम तक अपने जीवन को व्यवस्थित जीना पड़ेगा। जिनका चित्त व्यवस्थित नहीं है वो इस सत्य को समझ ही नहीं सकते। इसलिए पहले शर्त है एकाग्रता, दिव्यता में जीना, दैवी संपद में जीना। और जो दैवी संपद में जीने लगते हैं फिर उनको ये सत्य अपने आप ही समझ में आ जाता है बिना समझाए। इतना तो करना पड़ेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है, विधि निषेध। यही इसलिए मैंने कहा मुक्ति है। मैं बार बार बचपन से सोचता था ये मुक्ति मुक्ति क्यों करते, छूटना छूटना पाने की कोई बात करता ही नहीं, सब मुक्ति 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 मुक्ति, छूटो छूटो छूटो, छोड़ने छोड़ने की बात है, पाने की बात ही नहीं है। बिना छूटे कुछ मिलता ही नहीं है। घर भी छोड़ो, परिवार भी छोड़ो, संसार भी छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, सब मुक्ति मुक्ति मुक्ति, सब कुछ छूट गया तो जो है वो तो प्राप्ति ही है। ये बात तो एक तो आपको भगवान बताया, दूसरा क्या बताया मैंने अभी, मुक्ति। क्या बताया बोलो, फिर से बोलो। छूटना ही है, छूटने के बाद में प्राप्त तो है ही, वो हम है ही। तो आज आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अभ्यास करवाया है और ओम का, भगवान का दर्शन करवा दिया आपको। अब ये दर्शन बना रहे हैं, हमको तो बना रहता, आपको भी बना रहेगा। बस इसके लिए मैंने कहा मुक्ति में जीना पड़ेगा। जो छोड़ना है, जो छोड़ना है उससे 100% छूटना पड़ेगा। हाँ, ये आज का हमारा ध्यान का एक चरण हो गया, बंद आंखों से ध्यान और खुली आंखों से ध्यान, सहज समाधि, सहज मुक्ति, जीवन मुक्ति, आनंद में रहो। कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, मेरी मुक्ति से कहीं मैं डिग ना जाऊं, इसलिए बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। मुक्ति 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 में इतने विचलित हो जाते हैं कि मैंने देखा हिमालय से लेकर के और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया जहान में मैं घूमा हूं। कुछ लोग इसी तनाव में रहते हैं कि मुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो खैर, आज एक चरण बता दिया इसका। अब मैंने भी ठान रखा है सबकी मुक्ति करके छोड़ूंगा।
बोले स्वामी जी ये भी कोई आंदोलन है। हाँ ये मुक्ति आंदोलन है। बहुत तरह के आंदोलन चले, महर्षि दयानंद ने भी चलाए, स्वामी विवेकानंद जी ने चलाए, श्री अरविंद ने चलाए, अनेक महापुरुषों ने अलग अलग प्रकार के, विधवा विवाह मुक्ति, अछूत उद्धार, भेदभाव से मुक्ति, बलि प्रथा से मुक्ति, और बहुत प्रकार की मुक्ति अभियान चले। तो मैं ये मुक्ति अभियान चला रहा हूं, सबको मुक्त करके ही छोड़ना है मुझे, तो ये चलता रहेगा अभियान। और ये सोशल मीडिया पर भी हमारे साधक भाई बहन जुड़ते रहते हैं, और मुझे खुशी है अब लगभग 10 लाख तक पहुंच गए सुबह सुबह मेरे साथ सोशल मीडिया पर योग करने वाले, एक बार उनका अभिनंदन। 10 लाख, 10 लाख लोग तो सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पर ही, जो मैं ध्यान सिखा रहा हूं, और मैं व्यवहारिक ध्यान कराता हूं, कोई इसमें ढोंग आडंबर पाखंड नहीं है, व्यवहारिक ध्यान। और मैं तो बिना आंखें बंद कराए आंखें खुले खुले एक क्षण में मुक्ति करा देता हूं। अब बस इसको जीना तो पड़ता है। अब ब्याह तो एक क्षण में हो जाता है, बोले देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब ब्याह तो हो गया, निभाने के लिए जिंदगी लगेगी। मुक्ति तो एक पल में हो गई, उसको जीना पड़ेगा 100 साल तक, पूरे जीवन भर। तो प्यार तो एक क्षण में हो जाता है, संबंध तो एक क्षण में जुड़ जाता है, एक दूसरे को अपना मान लिया, हो गया ब्याह हो गया। ऐसे ही भगवान से हमारा संबंध हो गया, इसी को स्तुति प्रार्थना उपासना बोलते हैं। अब इसको जीना पड़ेगा,